हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओहम्स लॉ के बारे में जानकारी लेंगे। ओहम्स लॉ क्या होता है, वो हमने कहाँ से डिराइव किया है और ओहम्स लॉ हम कहाँ पे यूज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। ओहम्स लॉ। अब यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है जिसको एक बैटरी लगाई है ताकि वो सर्किट कंप्लीट हो जाए। बैटरी का वोल्टेज है V। अब यहाँ पे इस बैटरी के वोल्टेज की वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जहाँ पे कंडक्टर को कनेक्ट हो रहा है, वो हो गया इस कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव को निगेटिव। इस तरह से ये इस कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और अब यहाँ पे हमें करंट भी मिला है और वोल्टेज भी, तो इसी वोल्टेज और करंट के रिलेशन को हम ओहम्स लॉ कहते हैं। यानी कि ओहम्स लॉ में बेसिकली वोल्टेज और करंट एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है और एक दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हमने V1 और V2 दो टाइप्स की बैटरी ली है। V1 इस तरह से है कि V1 का जो वोल्टेज है वो V2 से कम है, यानी कि V1 की रेटिंग कम है और V2 की ज्यादा है। तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट वोल्टेजेस है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों कंडक्टर्स का डिफरेंट होगा और उसी वजह से उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी डिफरेंट होगा। यानी कि कम वोल्टेज के लिए करंट जो है उस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है वो कम होगा और ज्यादा के लिए ज्यादा। तो V1 less than V2 है, उसी हिसाब से I1 भी कम होगा I2 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि V यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। यानी कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ा दे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम कर दे तो करंट कम हो जाएगा। यही ओहम्स लॉ जॉर्ज सीमन ओहम इस जर्मन फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब हम ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वोल्टेज जो है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उस टाइम पे जो भी एटमोस्फेरिक कंडीशंस है, टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। अभी हमने जो पिछला एग्जांपल देखा उसमें भी यही सेम रिलेशन फॉलो हो रहा था। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसे अगर हमें रिमूव करना है तो वहां पे हम एक कॉन्स्टेंट को रिप्लेस करेंगे जो कि होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये इक्वेशन बन जाएगा V इज इक्वल्स टू आर आई, यानी कि V इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब हम एक कंडीशन देखते हैं जहाँ पे हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, तो उस टाइम R और I किस तरह से चेंज हो गए वो हमें देखना है। अब हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि हमने एक वैल्यू ले ली है, सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट लिया है हमने। तो ये जो दोनों इक्वेशन है जो हमने दो बार सेम फॉर्मूला लिखा है, दोनों जगह पे वोल्टेज की वैल्यू 10 ही होनी चाहिए, बट करंट डिफरेंट होगा। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट हमने लिखा है, वहां पे करंट अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। उसी हिसाब से अगर हमने करंट को बढ़ा दिया तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, तो उसी
वैल्यू पे हमें उस वोल्टेज को रखना है। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इस करंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने अगर करंट को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा। अब हम इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है वो देखेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का है एम्पियर, तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, जिसे ओहम कहा जाता है। और हम यहाँ पे दोनों यूनिट को याद रख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी रेजिस्टेंस का यूनिट है, ओहम भी रेजिस्टेंस का यूनिट है, और ओहम का साइन कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये है ओहम्स लॉ का ट्रायंगल, जिसमें से हमें इस ओहम्स लॉ के इस फॉर्मूले को याद रखने में आसानी होगी। इस ट्रायंगल में से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर हमें पता है तो हम थर्ड क्वांटिटी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को V हम लिख लेंगे, V इज इक्वल्स टू I इनटू R लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो I और R दोनों एक दूसरे के बाजू में है, यानी कि I इनटू R कर देंगे। अगर हमें करंट निकालना है, अब I इज इक्वल्स टू ऊपर V है और नीचे R है, यानी कि हमें डिवाइडेशन में लेना है, तो V बाय R लिख देंगे। इसी तरह से रेजिस्टेंस के लिए V बाय I लिख देंगे, क्योंकि वोल्टेज ऊपर है और करंट नीचे है। इस तरह से इस ओम्स लॉ के ट्रायंगल को हम यूज करते हैं और हम तीनों क्वांटिटीज के फॉर्मूलेज को आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो बेसिकली हमें V इज इक्वल्स टू आई आर इसी फॉर्मूले को याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप क्या बताएंगे? ओम्स लॉ यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें यहाँ पे अपना जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है वो भी बताना है, बट हम इस तरह से भी बोल सकते हैं जब भी हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या समझ रहा है वो उन्हें बताना पड़ता है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ में हमें वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि वो एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड है और एक दूसरे के साथ किस तरह से वैरी होते हैं, ये हमें ओम्स लॉ बताता है। मीनिंग ऑफ V इज इक्वल्स टू IR, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू IR इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि करंट जो है वो वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम करंट को बढ़ा दे तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है, या फिर वोल्टेज को बढ़ा दे तो करंट भी बढ़ जाता है, बट करंट जो है वो रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हमने एक एग्जांपल के जरिए अभी देखा था, यानी कि अगर करंट को बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस को बढ़ा दे तो करंट कम हो जाएगा, तो वही इस स्टेटमेंट में दिया गया है। इस तरह से हम ओम्स लॉ के बारे में किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।